हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम DDU BA फर्स्ट सेमेस्टर सोशोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका पेपर कोड है SOC 103। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी सेकेंड। पेपर ID है 8139। यह पेपर 16 जनवरी 2023 को हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पर संस्कृत ग्रहण प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने सामाजिक संरचना के बाह्य और आंतरिक तत्वों का विभेद किया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C, रेडक्लिफ ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहुलवाद का रूप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B, पर संस्कृत ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क के बिना भी व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया कहलाती है, ऑप्शन B, प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक सभ्यता का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D, रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात्मीकरण में निहित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D, सांस्कृतिक भिन्नताओं की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 7, लेविस कोजर ने सामाजिक संघर्ष के किस पहलू को प्रस्तुत किया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B, वर्ग संघर्ष की गहनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोग में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक का वर्गीकरण किया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D, AW ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी दशा है जिससे क्षेत्रीय दृष्टिकोण की जगह वैश्विक दृष्टिकोण बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B, बहुल संस्कृतवाद। क्वेश्चन नंबर 10, बहुल संस्कृतवाद की उल्टी दिशा को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D, एकल संस्कृतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अभौतिक संस्कृति से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B, संचयी वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृति का मुख्य वाहक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B, सामाजिक मानदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन A, सांस्कृतिक तत्व। क्वेश्चन नंबर 14, सभ्यता और संस्कृत में मुख्य अंतर क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A, संस्कृत वह है जिसे हमने अर्जित किया है, और सभ्यता वह है जिसे हम अर्जित करने की आकांक्षा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय विचारक ने बहुलवाद को आधुनिकरण की विशेषता के रूप में व्याख्यादित किया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C, SC दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा का उपयोग निम्नांकित में से किस सामाजिक विज्ञान से अधिक संबंधित रहा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B, मानव शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 17, संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और इसी प्रकार की ऐसी सभी क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, यह किसने परिभाषित किया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A, EV टाइलर। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक गतिशीलता किस तरह के समाजों की एक प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन B, औद्योगिक समाज। 19, वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण किस समाजों की विशेषता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B, आधुनिक समाज। क्वेश्चन नंबर 20, जाति एक बंद वर्ग है यह कथन किसने दिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C, मजूमदार एवं मदन ने। 21, एक समान संस्कृति पाई जाती है,
एक समान संस्कृति पाई जाती है? ऑप्शन सी, सांस्कृतिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 22, प्रभु जात की अवधारणा भारतीय समाज के संदर्भ में किसने दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, M.N. श्रीनिवास। 23, आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष का वर्गीकरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, के डेविस। 24, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिलोम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका कथन है सभ्यता संस्कृत का पर्यावरण है? ऑप्शन बी, मैकाइवर का। 26, G.S. धुरे ने जात की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6। 27, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कह सकते हैं, यह किसका कथन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स कूले द्वारा। 28, किसने जात विभाजन का विश्लेषण सूचिता एवं प्रदूषण की धारणा के आधार पर किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लुई ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक संरचना की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? ऑप्शन सी, रेडक्लिफ ब्राउन ने। 26, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, होकार्ट एवं सेनार्ट। 31, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो आगबर्न ने। 26, वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण किन समाजों की विशेषता है? ऑप्शन सी, आधुनिक समाजों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक आंदोलन। 34, कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा सामाजिक संरचना के प्रत्येक अंग के कुछ निर्धारित प्रकार होते हैं? ऑप्शन डी, एच स्पेंसर ने। 36, सामाजिक स्तरीकरण का संबंध किससे है? तो संतरित श्रेणियों से। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 37, किसने परिस्थिति का वर्गीकरण प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति के रूप में किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राल्फ लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के मध्य भेद को किसने स्पष्ट किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आगबर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकवे शब्द का सृजन किया? ऑप्शन बी, समनर ने। If you like the video, please do subscribe my channel. Thank you for watching.